हरे कृष्ण। माधुर्य कादंबिनी का तात्पर्य है बादलों की एक पंक्ति जो मधुर अमृत की वृष्टि करती है। शिलरूप गोस्वामी लिखते हैं, माधुर्य का अर्थ है सभी परिस्थितियों में और सभी गतिविधियों में अप्रतिम सौंदर्य आकर्षण अभूतपूर्व प्रकृति को धारण करना। इस प्रकार सर्वोच्च माधुर्य तथा सभी मिठास का स्वरूप है स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जिनके पास चार विशेष मिठास है, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी एवं रूप माधुरी। वही परम भगवान श्री कृष्ण अपने इन चार माधुरी का रस आस्वादन करने के लिए और समस्त विश्व को अपने प्रेम रस में डुबोने के लिए इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति के विकास में श्रद्धा से लेकर प्रेम के प्रकट होने तक प्रत्येक चरण के लक्षणों को सहज और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। साथ ही ये महान ग्रंथ उन सभी बाधाओं की भी व्याख्या करता है, जैसे कि वैष्णव अपराध, जिन्हें मार्ग में अवश्य ही त्याग देना चाहिए। इस महान साहित्य की तुलना उस दीपक से की जाती है जो भक्ति साधक के मार्ग को प्रकाशित करती है। इस पवित्र पाठ का व्यवहारिक रूप से पालन करने से सरल हृदय वाला साधक निश्चित रूप से भक्ति की अपनी अवस्था को समझने में सक्षम होगा। साथ ही वो अपनी त्रुटियों तथा भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उसे और क्या कदम उठाने चाहिए यह समझ पाएगा। इसके अतिरिक्त उसके हृदय में ऐसी क्षमता और प्रवृत्ति उत्पन्न होगी जिससे वो भक्ति के साम्राज्य में प्रगति कर सके और अंततः अपने चरम लक्ष्य श्री भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और भक्ति के उच्चतम गंतव्य तक पहुँचने के मार्ग के विभिन्न चरणों का पता लगाएँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।